और खालिस्तानी समर्थकों को लेकर है अमृतपाल से जुड़ी हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि फरार चल रहे अमृतपाल सिंह के गिरफ्तार समर्थकों को पंजाब के बाहर शिफ्ट किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि खुफिया एजेंसियों को अजनाला जैसी घटना दोबारा हो सकती है ऐसी आशंका थी, इसी वजह से यह कदम उठाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक गिरफ्तार आरोपियों को छुड़ाने के लिए जेल पर हमले भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि खुफिया एजेंसी के ऑफिसर और पंजाब पुलिस के बीच मीटिंग के दौरान संभावित हमले की आशंका जाहिर की गई। एजेंसियों ने इनपुट्स के आधार पर पंजाब पुलिस को जानकारी दी कि एनएसए के तहत गिरफ्तार वारिस पंजाब दे के सदस्यों और खालिस्तानी समर्थकों को छुड़ाने के प्रयास हो सकते हैं, ऐसे में उन्हें पंजाब के बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए। इसके साथ साथ खुफिया एजेंसी को ये भी इनपुट्स मिले हैं कि जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अन्य कैदियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आनंदपुर खालसा फौज यानी कि AKF में शामिल करा सकते हैं। बताया जा रहा है कि कैदियों को उकसाकर जेल ब्रेक जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जा सकता है, यानी कि खुफिया एजेंसियों को जेल के अंदर और जेल के बाहर से हमले के इनपुट्स मिले हैं जिसके आधार पर कुछ कैदियों को शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक भीड़ जमा कर अजनाला जैसी घटना अंजाम देने की साजिश रच सकते हैं या पंजाब के जेलों से ही आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। गिरफ्तार खालिस्तानी समर्थकों पर NSA लगाया जा सकता है क्योंकि वो लोग खालिस्तान के नाम पर युवाओं के बीच हिंसा और गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे। AKF जैसे संगठनों को तैयार कर मजबूत करने की कोशिश हो रही थी जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। बताया जा रहा है कि एजेंसियों ने यह भी दावा किया है कि वारिस पंजाब दे संगठन के लोगों का लिंक सिख फॉर जस्टिस जैसे प्रतिबंधित संगठनों से है जो राज्य में आगे भी हिंसक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। SFG अब खुलकर वारिस पंजाब दे के समर्थन में आ चुका है। बता दें कि पिछले दिनों अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया था। सुरक्षा कारणों से अमृतपाल सिंह के चाचा और 5 अन्य खालिस्तानी समर्थकों को असम के डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया था। अजनाला में क्या हुआ था आपको याद दिला दें कि हथियार से लैस खालिस्तानी समर्थकों ने 23 फरवरी 2023 को अमृतसर स्थित अजनाला थाने पर हमला किया था। हजारों की संख्या में जुटे खालिस्तानी समर्थकों ने तलवार और बंदूक के साथ थाने पर धावा बोला। खालिस्तानी समर्थकों ने वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह के खिलाफ FIR उसके करीबी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। इतना ही नहीं, उसके बाद पंजाब पुलिस को विवश होकर लवप्रीत तूफान को छोड़ना पड़ा जिसके बाद पुलिस की जमकर आलोचना हुई। उसके बाद भगवंत मान पंजाब के CM अमित शाह से मिले जिसके बाद उन्होंने सेना की टुकड़ियों को वहां पंजाब में भेजा। उसके बाद फिर अमृतपाल पर एक्शन लिया जाने लगा। VK News, राष्ट्र के नाम।